गाइस, तो कैसे हो आप सब। राखी स्पेशल में आपका स्वागत है। गाइस, आज की रेसिपी रसमलाई बनने वाली है। आप लोग तो जानते होंगे और हमारी सारी बहनें जानती होंगी कि रसमलाई भाइयों लोग को तो कितना पसंद होता है। स्पेशली बहनों लोग को भी पसंद होता है, लेकिन स्पेशली भाइयों लोग को तो राखी में दिल खुश करना है ना, तभी तो बड़ा बड़ा गिफ्ट मिलेगा ना। तो आज की रेसिपी रसमलाई है, बहुत यमी और बहुत अमेजिंग लगती है ये रेसिपी रसमलाई। तो आपको भी बहुत बहुत भाई से बेहतरीन गिफ्ट चाहिए, तो आप अपने राखी स्पेशल में रसमलाई बनाइए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन में आधा केजी के करीब मैंने दूध चढ़ा दिया और इसे 2 मिनट खोलने के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए गाइस, दूध हमारी खोल चुकी है, तो मिनिमम इसे उतना पकाना है जब तक ये आधा ना हो जाए। यानी कि ये दूध मैंने आधा केजी लिया था, उसका एकदम दूध आधा ना हो जाए उतना आपको पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, मीडियम लो आप कर सकते हैं। तो गाइस इसका मेन बात है कि आप इसे चलाते रहिएगा, नहीं चलाइएगा तो इसका सारा मलाई साइड साइड में जम जाएगा। तो इसीलिए आप मलाई को छुड़ाते रहिएगा और चलाते रहिएगा 2-2 मिनट पे। तो मैं मिनिमम 20 से 25 मिनट के करीब इसे पका लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, 10 मिनट हमारी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें मिनिमम 1 कप के करीब चीनी डाल सकती हूँ। आपके घर में नॉर्मल कप होगा, आप उसके मेजरमेंट से भी चीनी डाल सकते हैं 1 कप के करीब। चीनी डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स कर लेती हूँ। रस मलाई में मेन इसका होता है रंग का, तो मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर के कुछ दाने भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। फूड कलर आपको जनरल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। फूड कलर डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हो गाइस कितनी अमेजिंग कलर लग रही है। इसकी कलर तो इतनी अमेजिंग लग रही है, तो आप सोच सकते हो ये रसमलाई कितनी अमेजिंग लगेगी। आप अपने घर पे एक बार ट्राई कीजिए और अपने हाथों से अपने भाइयों लोग को खिलाइए और बड़े बड़े से गिफ्ट लीजिए। तो गाइस, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स की कतरन काट रखे थे, मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट पका लेती हूँ फिर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से ये मलाई पक चुकी है। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। मिनिमम इसे पकाने में मुझे 25 से 30 मिनट के करीब लगा है। चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूध को फाड़ रखा था और सारे दूध को फाड़ के उसका पानी को अलग कर लिया और इसका मेन मलाई को अलग कर लिया है। दूध की जो मलाई होती है फटी हुई, मैंने एक प्लेट में डाल के अपने हाथों के नीचे वाले सहायता से उसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो गाइस, मिनिमम आपको 20 से 25 मिनट के करीब अपने इस हाथों के सहायता से प्रेस कर कर के आपको इसे मिलाना है। तो देख सकते हैं गाइस, फटी हुई दूध की मलाई अच्छे तरीके से मिल चुकी है। तो अब मैं मिनिमम 1 चम्मच के करीब इसमें मैदा डाल देती हूँ और एक अमूल पाउडर होता है, मिल्क होता है, आप कोई भी जनरल मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने अमूल मिल्क डाला था, उसका पाउडर डाला था। मैं अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। गाइस ये याद रखना है आपको, इसका जो मैंने तो इसमें डालने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ 2 से 5 मिनट के करीब। आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसके सारे छोटे छोटे बॉल्स बनाने के लिए इसे तोड़ लेती हूँ, तभी इसके परफेक्ट साइज के बॉल बनेंगे। मैंने इक्वल के सहायता से तोड़ लिया है, इक्वल के वेव में मैंने अच्छे तरीके से तोड़ लिया है। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से बॉल बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, इसमें से कितना मतलब तेल जैसा निकल रहा है। तो आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से इससे बॉल बन जाएगा और फटेगा भी नहीं। बॉल बना के आप इसे थोड़े थोड़े अपने हाथों की सहायता से दाब लें, कुछ इस तरीके से आपको दाबना है। इसी तरीके से मैंने सारे बॉल्स को चिपटे चिपटे में अच्छे तरीके से दाब दिया है और बहुत अच्छे तरीके से ये भी बहुत सारी बॉल बन चुकी है। मैंने बड़े बड़े साइज में बॉल बनाया था, इसका मतलब मेरा 12 बना है, 12 पीस बना है टोटल रसमलाई। तो आगे की प्रोसेस में गाइस चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने एक पैन चढ़ा दिया जिसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और 1 कप के करीब चीनी डाल दिया है। गाइस इसे ज़्यादा नहीं खौलाना है, चीनी मिलने तक ही आपको इसे खौलाना है। देख सकते हैं गाइस, चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है। तो मैं सारी इस रसमलाई के बॉल्स को मैं इसमें डाल देती हूँ। तो डालने के बाद मिनिमम मैं 20 से 25 मिनट के करीब इसे छोड़ देती हूँ। गैस का फ्लेम गाइस हाई होना चाहिए।
मैं पूरा एक बार में नहीं डालूंगी, 5-6 मैं एक बार में डालने वाली हूँ गाइस, क्योंकि आप देखोगे ये अभी इतनी छोटी साइज की है, इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, और ये मिनिमम 20 से 25 मिनट खोल जाएगा तो ये इसका साइज एकदम डबल हो जाएगा। देख सकते हैं गाइस इसका साइज एकदम अभी और फूलेगा गाइस, देख सकते हैं तब भी इसका साइज बहुत बड़ा हो गया है। तो अब मैं अपने हाथों की सहायता से इसे धीरे धीरे पलट लेती हूँ, हल्के हल्के हाथों की सहायता से। कुछ इस तरीके से आपको सारे बॉल्स को पलट लेने हैं और गैस का फ्लेम आपको हाई कर देना है, फिर से मिनिमम 5 मिनट के करीब पका लेना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें गाइस। और हाँ गाइस, कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं गाइस ये कितनी फूल चुकी है, एकदम जितनी थी उसकी तो एकदम कंफर्म डबल हो चुकी है। तो अब मैं एक चम्मच की सहायता से इसे निकाल लेती हूँ और एक दूसरे छोटे चम्मच की सहायता से इसके सारे रस को मैं अलग कर देती हूँ, सारे रस को निकाल देती हूँ, यानी कि इसे पूरा सुखा लेती हूँ। कुछ इस तरीके से दाब दाब के सारे रस को अलग कर देना है और रस मलाई में मैं डाल देती हूँ कुछ इस तरीके से। कुछ इसी प्रकार सारे रस मलाई के इस बॉल्स को इसमें से सारे रस निकाल देने हैं एक चम्मच की सहायता से और दाब दाब के रस मलाई में डाल देना है। तो आप देख सकते हैं गाइज अच्छे तरीके से मैंने सारे रस मलाई को डाल दिया है इसमें और उसके ऊपर से चम्मच की सहायता से मलाई को ऊपर डाल देती हूँ। अब चलते हैं सर्व के प्रोसेस में। ये देख सकते हैं गाइज मैंने एक मिठाई का डब्बा ले लिया था। एक्चुअली मैं गाइज मैं मिठाई के स्टोर में जाती हूँ ना, जब भी मिठाई मैं ख़रीदने जाती हूँ तो एक एक्स्ट्रा डब्बा ले ही लेती हूँ, उसमें मतलब बहुत काम होता है ना, तो मैंने ले लिया है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे सर्व करती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे डब्बे मतलब डब्बे में सारे रस मलाई को डाल देती हूँ। गाइस ये देख सकते हैं ये कितनी यम्मी लग रही है, कितनी डिलीशियस लग रही है। आप ये देख कर ही सोच सकते हैं कि ये कितनी यम्मी और कितनी डिलीशियस बनी होगी। तो गाइस अपने स्पेशली बहनों, आप अपने रक्षाबंधन में अपने भाइयों लोग के लिए ज़रूर बनाएं और उन्हें अपने प्यारे प्यारे हाथों से ज़रूर खिलाएं, देखिएगा भाइयों लोग को बहुत पसंद आएगा। तो गाइस अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट लाइक कर दें, अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर दें और हाँ गाइस कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूले गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।